वैसे तो पूर्वांचल में 27 सीटें हैं, जिनमें से आखिरी राउंड में 13 के लिए टक्कर है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि 2009 में बीजेपी इनमें से महज 3 सीटें जीती थी। 2014 में मोदी बीजेपी का चेहरा बने और अपने दम पर क्लीन स्वीप कराया। 2019 में बीजेपी ने 2 सीटें लूज कर दी, यानी 11 पर जीत हासिल की। अब 2024 के चुनाव का इम्तिहान है, इसलिए सबने अपने अपने फॉर्मूले सेट कर दिए हैं। बाजी अपने पाले में लाने के लिए पासे फेंके जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। तमाम दावे हैं, अनुमानों की बौछार है, कोशिश हर ओर से की जा रही है। इसके लिए पीएम मोदी मिर्जापुर, घोसी और बांसगांव में थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर में थे। अखिलेश यादव भी सलेमपुर और बलिया पहुंचे। 2014 में जब बीजेपी की यूपी में आंधी चली, तब हिंदुत्व का शोर था, मगर 2019 में अखिलेश और मायावती के आगे ये लहर कमजोर पड़ गई। अब इस बार पूर्वांचल में कौन सा फैक्टर काम करेगा, मोदी योगी फैक्टर या राम लहर, या फिर अखिलेश की नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण? शुरुआत गोरखपुर से करते हैं, जहां योगी हर 15 दिन में पहुंचते हैं और 2 दिनों के भीतर 2 जनसभाएं की। तो रामगढ़ ताल से निकलकर मैं अब इस समय आ गया हूं रेती रोड पर, और ये सामने इधर देखिए मेरे पीछे जो है वो मदीना मस्जिद है, और गोरखपुर के लोगों के जेहन में ये जगह बसी हुई है। जब भी चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की, तो इस जगह की चर्चा भी बरबस निकल आती है। ये वही जगह है जब 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से सांसद चुने गए, तो उन पर यहाँ एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ था, और ये जगह आज भी गोरखपुर के लोगों के जेहन में उसी तरीके से बसी हुई है। इसको लेकर तमाम कहानियां लोग कहते सुनते आपको गोरखपुर में मिल जाएंगे। वोट पड़ेगा हिंदुत्व पे कि जाति पे? वोट तो देखिए ना जाति ना हिंदुत्व, वोट जो है वो विकास के ऊपर पड़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, पड़ेगा किस पे? विकास के ऊपर पड़ेगा। विकास के ऊपर पड़ेगा, तो विकास के मामले में योगी मोदी जी की जोड़ी अच्छी है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी से भरोसा उम्मीद है? उत्तर प्रदेश में नो डाउट कि योगी मोदी जो है वो विकास कर रहे हैं। अच्छा। और हर तरफ विकास हो रहा है। हाँ, तो हर तरफ विकास, जरा कुछ बताइए हम लोगों को भी, मैं तो नया अभी। हाँ। आप पहले जो है यहाँ से देख लीजिए, गोरखपुर के विकास में तारामंडल की तरफ आज से 10 साल पहले कोई नहीं जाता था। अच्छा। उधर लोग कहते थे साहब जो है एकदम जंगल है, आज देख लीजिए गोरखपुर जो है कितना विकास की तरफ, तारामंडल जो है एक जो है पूरा समझिए कि गोरखपुर की शान इस समय हो गया है कि यहाँ पर तारामंडल और विकास, और उधर रामगढ़ ताल वगैरह जो है लोग नैनीताल की जगह इस समय तारामंडल की तरफ जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गोरखपुर में भी इस तरह का है क्या? यहाँ अपने जो है जो अपने विधायक जी हैं बहुत गोरखपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ जाति धर्म के आंकड़ों से परे वोट नाथ संप्रदाय और योगी आदित्यनाथ के नाम पर पड़ता है। 2018 का उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो 1991 से जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए, हर बार गोरखपुर में भगवा लहराया है। इस सीट पर योगी आदित्यनाथ का इम्पैक्ट रहता है, और इसी की बदौलत रवि किशन 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर रवि किशन पर भरोसा जताया है, जबकि उन्हें समाजवादी पार्टी से काजल निषाद टक्कर दे रही हैं। मोदी जी हमारे कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
गोरखपुर में ये देख रहे हो, ये पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उनके दृष्टि से ही ट्रेलर बा गोरखपुर। अभी बहुत बड़ी उड़ान भरी ये आज हमारे ऑन रिकॉर्ड कहला। गोरखपुर में जो आप देख रहे हो ये 50% विकास है और होगा। बीजेपी को मोदी मैजिक पर भरोसा है तो उन मुद्दों को भी आधार बनाकर पब्लिक का सपोर्ट पाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ की USP माने जाते हैं। माफिया पर चोट, बुलडोजर एक्शन, जातिवाद पर हमला, पूर्वांचल का विकास और परिवारवाद पर प्रहार। मोदी और योगी ने जब भी पूर्वांचल में चुनावी दौरा किया तो हर चौथी लाइन में इन्हीं की गूंज सुनाई दी। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अखिलेश यादव पूर्वांचल को लेकर इसलिए भी उत्साह में हैं क्योंकि 2019 के बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी यहां उन्हें अच्छे खासे नंबर आए थे। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल के 10 जिलों की 61 सीटों में से 41 सीटें मिली थी जो 2022 में घटकर आंकड़ा 29 रह गया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 12 के आंकड़ों को सुधारते हुए 31 तक पहुंचा दिया था। इसमें बहुत बड़ा योगदान गाजीपुर का भी था जहां समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। अखिलेश भले ही पूर्वांचल से उम्मीद लगाए हों लेकिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी की दावेदारी पूरी तरह से क्लियर नहीं और यही वो वजह है जिसकी बदौलत बीजेपी गाजीपुर में इस बार जीत की आस लगाए है। सफाया इन दो भारतीय जनता पार्टी का सफाया सारी सीटों पर, मोदी अपनी सीट बचा ले, बस अपनी सीट बचा ले यही बहुत है। वो भी खतरे में है, कोई चमत्कार उस सीट पर भी हो सकता है, उस सीट पर मोदी भी बैरन वापस जा सकता है क्योंकि उन्होंने गंगा मैया को भी ठगा है। कहा गंगा जी ने मुझे बुलाया, न गंगा अविरल हुई, न गंगा निर्मल हुई और न गंगा स्वच्छ हुई, तो गंगा मैया का श्राप तो मैं समझता हूँ उनको वापस भी भेज सकता है। अब की बार नरेंद्र मोदी जी के संदेशों से जाति जकड़न बिजली हुई है और सपा बसपा अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी है, तब कोई प्रश्न ही नहीं है कि चुनाव के परिणाम के बारे में। गाजीपुर में बीजेपी का प्लस पॉइंट है मुख्तार के खिलाफ एक्शन, जबकि समाजवादी पार्टी मुख्तार की मौत के जरिए सिंपैथी कार्ड चल रही है। हालांकि ये भी फैक्ट है गाजीपुर के साथ घोसी, बलिया और चंदौली वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए आखिरी चरण में दुखते रग है। वजह गाजीपुर और घोसी में पिछले चुनाव की हार है जबकि बलिया में बीजेपी 15,519 वोट से जीत पाई थी और चंदौली में विनिंग मार्जिन 13,959 वोट था। और शायद यही वो रीजन है कि चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे को छोड़कर बीजेपी ने बाकी सभी जगह से अपने उम्मीदवार बदल दिए। पूर्वांचल की जिन सीटों पर हर किसी की नजर है उनमें से एक है मऊ की घोसी लोकसभा सीट। यहाँ पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है जहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजीव राय से होगा। इस सीट पर हमेशा ही बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहाँ हालात कितने बदले हैं? क्या मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सहानुभूति की जो लहर है उस पर सवार होकर समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा पाएगी या फिर यहाँ की जनता बाबा के बुलडोजर पॉलिसी पर मुहर लगाएगी? तैयारी भरपूर है और तैयारी मैंने ही तैयारी जनता ने बना रखी है अपनी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। जो इस घोसी लोकसभा क्षेत्र का जो 15 सालों से निरंतर लोग तो मतदान किए लेकिन यहाँ के विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, तो जनता इस बार मनमिजाज बना रखी है कि एक योग्य प्रत्याशी को इस बार चुनाव में मतदान करेंगे और मतदान करके इस देश के विकास के साथ घोसी को जोड़ने के लिए एक युवा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी हूँ इसलिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ कि जातियों का नाम गिनाकर बोलूँ कि इस जाति का वोट मिल रहा है, उस जाति का वोट मिल रहा है। मुझे समाज के सारे बिरादरी का वोट मिल रहा है क्योंकि जब मेरे दरवाजे पर कोई बीमार आया, किसी का इलाज कराया, आपको मैं पहले ही बताया था जितने बच्चों को मैं मलेशिया से कोरोना काल में लाया कोई मेरी बिरादरी का नहीं था, जितने बच्चों को गोद लिया हूँ कोई मेरी बिरादरी का नहीं है, जितने लोगों का रोज इलाज करता हूँ शायद ही उसमें कोई मेरे बिरादरी का हो, जितने लोगों की मदद करता हूँ शायद ही उसमें से कोई मेरी बिरादरी का हो। तो जब आप सेवा सबकी करेंगे तो आशीर्वाद ही सबसे मिलेगा। ये वही घोसी है
जहां माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा रहता था, मगर इसी घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सबसे पहले और जोरदार गर्जा। दलित 5 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख, यादव 2.5 लाख, चौहान 2,30,000 और राजभर 2 लाख के दबदबे वाली सीट पर क्या नतीजा बदलेगा? वैसे घोसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो 17 में से 14 बार राय कैंडिडेट को ही जीत हासिल हुई है। ओम प्रकाश राजभर सर, जो उनका हर 6 महीने पे उनका पलटी मार जाना और उनके बड़बोलेपन का यही कारण कि उनके बेटे इस बार बुरी तरह मात खाएंगे। मुख्तार का जो हवा था वो समाप्त हो गया उसके मरने के बाद, और ये सहानुभूति के मतलब वोट नहीं पाता था, वो तो दहशत पैदा करके वोट पाता था और अपने दलालों को पैसा देकर और पैसा के माध्यम से वोट पाता था, किसी नैतिकता के कारण, अपने चरित्र के कारण, अपने कार्य के कारण नहीं पाता था। इंडिया का माहौल इस लोकसभा के अगल बगल जितनी लोकसभाएं हैं सब पर इंडिया भारी है, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग निजात पाने के लिए अपना वोट जो है साइकिल पर करने का मन बना चुके हैं। पिछले 6 महीनों से अपने मऊ जिले में विकास हो रहा है, होना शुरू हो गया है। अगर वही हम सरकार का और भी सहयोग कर गए, एक अपना मत देकर, तो कहीं ना कहीं मऊ जिले का जो विकास पिछले 15-20 सालों से रुका हुआ था वो और दुगुना चौगुना रफ्तार ले लेगा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, और जरूरी नहीं नतीजे हर बार एक जैसे हों, लेकिन जब से मोदी ने मोर्चा संभाला है पूर्वांचल में बहुत कुछ बदला हुआ है, नतीजों से लेकर शहर की आबो हवा तक, और इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है काशी। 2014 के बाद से बनारस और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, और 2024 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की बयार दिख रही है। बनारस में आखिरी चरण में मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जब वो यहां से चुनकर संसद पहुंचे तो पहली बार लगभग उन्हें 2 लाख वोट से वो जीते और दूसरी बार तो उससे भी ज्यादा वोट से वो जीते। तो इस बार क्या प्रधानमंत्री इस बात को लेकर मुतमईन है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वो और ज्यादा वोटों से जीतेंगे, या फिर विपक्ष उन्हें टक्कर भी दे रहा? कहाँ के रहने वाले? यही बनारस। बनारस के रहने वाले हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक बात खूब चल रही है कि लोग यहाँ शिव भक्त बनकर आते हैं और वापस जो जाते हैं यहाँ से, किसी भी दूसरे राज्य से आते हैं, तो वो मोदी के वोटर बनकर चले जाते हैं, ये सच है क्या? हाँ सच है, क्योंकि यहाँ का जो विकास हुआ है पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और घाटों का, तो पहले से कुछ तो सुधार हुआ है, तो इसलिए तो ऐसा करना उचित है। क्या नाम बताया आपने? मुश्ताक। मुश्ताक भाई, मैंने जानबूझकर नाम पूछा है ना, कि ऐसा भी माहौल बनाया जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो मोदी के खिलाफ हैं। सब नहीं है, जिनको मतलब अपना सोच होता है ना इंसान का, तो जो धर्म के हिसाब से देखेंगे उनका अलग सोच होता है, जो विकास देखेंगे उनका अलग सोच होता है, तो हम लोग विकास देखते हैं, जो विकास करेगा वो यहाँ रहेगा। कितना बदला है बनारस? बहुत बदल गया है, बहुत सब बदल गया है। क्या क्या बदला है? बहुत घाट सब साफ सफाई हो गया, हर एक चीज हो गया पहले से। अच्छा, तो मोदी जी इस बार कितने ज्यादा वोटों से जीतेंगे पिछली बार के मुकाबले, क्या लगता है? हम तो नहीं जानते सर कितने वोटों से जीतेंगे, बाकी है पक्का जीत जाएंगे। के रहने वाले हो? वाराणसी। वाराणसी के रहने वाले हो, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? लग रहा है कि अपना मोदी सरकार फिर से आने वाला है, हम तो खुश हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बनारस को अपने आंखों से बदलता हुआ देखा मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी राउंड की वोटिंग से कुछ घंटे पहले वाराणसी में डेरा जमाने वाले हैं। मकसद यही है कि काशी से पूरे पूर्वांचल की हवा बदली जाए, जो कसक 2019 के चुनाव में रह गई थी उसे पूरी तरह से दूर किया जाए। लेकिन क्या नमो इफेक्ट का असर वाराणसी से करीब 170 किलोमीटर दूर बलिया पर पड़ेगा? क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्म भूमि पर कमल खिलेगा? इसका जवाब हर कोई पूछ रहा है। मेरे अब पहला और आखिरी एक ही है लक्ष्य कि इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर जो विकास अभी गति पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और तेज चले, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले, और हम लोग इस क्षेत्र का, पूर्वांचल का विकास करें। देखिए, जो देश में सरकार है ना, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है साथ में। जिस मुद्दे के लिए को राजनीति करने आए थे लोग, जिन घोषणा पत्र के साथ 2014 में आए, उसमें एक भी काम बता दीजिए उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। वो भारत के संविधान के प्रति ही
उनकी जिम्मेदारी नहीं बन पा रही। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।